नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। इस वक्त सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करें और बड़ी खबर बाबा रामदेव को है। बाबा रामदेव की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। चौंकने की जरूरत नहीं दर्शकों, पूरी खबर सुन लीजिए, फिर आप भी कहेंगे कि हाँ ये गिरफ्तार जरूर हो सकते हैं, क्योंकि इनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई, एफआईआर दर्ज हो चुका है। पहले पूरा मामला सुन लीजिए कि बाबा रामदेव को लेकर क्या। दरअसल गौतम अडानी को छोड़ उनके मसले पे बयान नहीं दे रहे, क्योंकि शायद ही कोई मसला होता है जो मोदी सरकार से जुड़ा होता है। उन दोनों पे आरोप है कि दोनों दोस्त हैं, भाई हैं, मतलब मोदी सरकार एक दूसरे की चापलूसी करते हैं, एक दूसरे के समर्थन से बिजनेस सीताराम पर खड़ा हुआ, और उसी लिस्ट में बाबा रामदेव भी आते हैं, क्योंकि उन्हीं की चापलूसी की वजह से आज बाबा रामदेव इतने बड़े हुए हैं। तो गौतम अडानी के मसले पे नहीं बोल रहे, मुसलमानों पे आजकल खूब जो है हमला बोल रहे। राजस्थान के कार्यक्रम में वो शामिल हुए, साधु संत वहाँ पे मशगूल थे, और उस पर मुसलमानों को लेकर उन्होंने ज्ञान देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि दरअसल जो पांच वक्त मुसलमान नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद वही करते हैं जो तौबा हाय तौबा जो चीज़ आप समझते हैं, मतलब गुनाह करते हैं, ये कहना चाह रहे। बाबा रामदेव जी, मुसलमान को आपके ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। बाबा रामदेव जी, हिंदू जो हमारे देश की समाज परंपरा है, जो हिंदू समाज जो भगवान पर आस्था रखता है, उसको भी आपके ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान देना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप जैसे ढोंगी लोग का पर्दाफाश हो चुका है। आपने कैसे सलवार पहनकर भागा था आपको याद होगा, आप मोदी सरकार में कैसे चमकना चाहते थे आपको याद होगा, आपको पता है ना, आपने कहा था ना 30 रुपये पेट्रोल डीजल मिलेगा। आपके पास जवाब है? जब पत्रकार आपसे पूछता था आप उनको मारते हैं, आप उनको बोलते मुँह उखाड़ लेंगे वगैरह वगैरह। लिहाजा ये होने के बाद शिकायतें दर्ज हुई, और शिकायत दर्ज होने के बाद आज एफआईआर दर्ज किया गया। अब सवाल ये है कि क्या राजस्थान की सरकार उन्हें गिरफ्तार करेगी, राजस्थान की पुलिस क्या उन्हें गिरफ्तार करेगी, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। और साथ ही साथ सवाल ये भी रहेगा कि अब गौतम अडानी का जो मसला आया है देश में, क्या उस पर बाबा रामदेव की कोई टिप्पणी आएगी, क्या उनको छोड़ देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, एसपी 9 न्यूज़।